भारतीय नमो संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया। भिंड में भारतीय नमो संघ के कार्यकर्ताओं ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाकर केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए मीडिया के सामने अपनी बात रखी। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वें जन्मदिन का जश्न पूरा देश मना रहा है, लेकिन ऐसे में भिंड शहर के रेखानगर में भारतीय नमो संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दीक्षित और भारतीय नमो संघ के युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष छोटू भदौरिया के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाकर राज्य और केंद्र की मोदी सरकार का भारतीय नमो संघ के पदाधिकारियों ने गुणगान करते हुए पत्रकारों का सम्मान किया। इस दौरान भारतीय नमो संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश दीक्षित ने कहा कि पत्रकार देश के चौथे स्तंभ हैं, जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर देश और दुनिया की खबरें हम तक पहुंचाई हैं। इसलिए राजनीति से जुड़े हर व्यक्तियों को पत्रकारों का सम्मान बेहद जरूरी है। भिंड से प्रदीप राजावत की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, ऐसी तमाम ऐतिहासिक योजनाओं को जिस तरीके से धरा पर उतारने का काम मोदी सरकार ने किया है, आज 71वें जन्मदिवस के अवसर पर हम सब लोगों ने ये रचनात्मक कार्यक्रम का आयोजन रखा था पत्रकार बंधुओं के लिए, और सभी भाइयों ने आकर मुझे अनुग्रहित किया और मैं सभी पत्रकार भाइयों का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अभी हम लोगों का आगामी कार्यक्रम है झुग्गी झोंपड़ियों में जाने का। यहाँ पर हम लोग फल और वस्त्रों का वितरण करने वाले हैं, और आज हमारे पूरे भिंड जिले में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में भारतीय नरेंद्र मोदी संगठन के द्वारा कार्यक्रम के आयोजन किए जा रहे हैं। इसके अलावा आज 71वें जन्मदिवस के अवसर पर नमो संघ ने संगठन विस्तार के तहत मध्य प्रदेश में युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भाई छोटू भदौरिया जी को बनाया है, और मैं चाहूँगा कि सभी साथी छोटू भदौरिया के लिए एक बार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। जय हिंद जय भारत। मुकेश दीक्षित, मैं भारतीय नमो संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।